वाघ नखं म्हणजे काय असत? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा अभिमान हीच आमची वाघ नखं. या भाजपनं शिवसेना तोडून फोडून ती वाघ नखं बोथट केली. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांची खरी वाघ नखं म्हणजे शिवसेना आहे, लक्षात. गेले 50-55 वर्ष या वाघ नखांनी महाराष्ट्रावरती येणाऱ्या प्रत्येक आक्रमणाचा कोथळा काढला. एक प्रकारे ती वाघनखं आणून तुम्ही या वाघनखांचा अपमान करता, कारण आपण महाराष्ट्राला दिल्लीचं गुलाम केले. या लोकांनी गेल्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्राचा स्वाभिमान अभिमान नष्ट केला. वाघ नखं म्हणजे काय असत? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा अभिमान हीच आमची वाघ नखं. या भाजपनं शिवसेना तोडून फोडून ती वाघ नखं बोथट केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघ नखाने अफजल खानाचा कोथळा काढला, म्हणजे दिल्लीचा कोथळा काढला. महाराष्ट्र मजबूतीनं उभा होता त्यावेळेला, पण आज ती वाघ नखं बोथट करून सुधीर मुनगंटीवार छत्रपतींची वाघ नखं आणला गेले. आनंद आहे, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांची खरी वाघ नखं म्हणजे शिवसेना आहे, लक्षात. गेले 50-55 वर्ष या वाघ नखांनी महाराष्ट्रावरती येणाऱ्या प्रत्येक आक्रमणाचा कोथळा काढला, आणि तुम्ही ती वाघ नखं नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वाघ नखांवरती वाद सुरू आहे, आम्हाला वाद घालायचा नाही. काल आदित्य ठाकरे यांनी त्याच्यावरती भाष्य केलेलं, पण निवडणुका जवळ आल्या की अशा प्रकारचे डोक्यात कल्पना येतात. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांचा इतिहास हे सगळं मराठी माणसाला नव्हे तर जगाला प्रेरणादायी आहे. पण ती वाघनखं आणून आपण काय करणार? परत दिल्लीची गुलामीच करणार आहात ना. एक प्रकारे ती वाघनखं आणून तुम्ही या वाघनखांचा अपमान करता, कारण आपण महाराष्ट्राला दिल्लीचं गुलाम केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघनखं यासाठी वापरली की त्यांना महाराष्ट्राला गुलामीतून मुक्त करायचं होतं, म्हणून त्याने वाघनखं वापरून दिल्लीचा कोथळा काढला. आणि हे गुलाम ज्याने महाराष्ट्राला दिल्लीचं पायपुसणं केलेलं आहे, ते इथे या गुलाम महाराष्ट्रामध्ये वाघ नखं आणून शिवरायांचा अपमान करतात. एवढंच मी सांगू इच्छित. रचित नहीं जा रही है, ऑलरेडी वहां इंटरनेशनल हस्तक्षेप शुरू हो, चाहे चाइना हो, चाहे और विदेशी हाथ हो. ये नई बात नहीं है, एनआईए के जांच में आई है. एक साल पहले से ये सामना में हम लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में ये बात बोली है. तो ये अगर विदेशी हाथ उसमें है तो फिर विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी और उनका पूरा भाजपा और संघ परिवार क्या कर रहा है? इतना मजबूत देश, इतना मजबूत सेना, और मणिपुर की हिंसा आप काबू में नहीं ला पाए हो, और आप बोल रहे हो विदेशी हाथ है. विदेशी हाथ अगर है तो आपका मजबूत हाथ कहाँ गया उनके सामना करने के लिए? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की आग आप थम नहीं पा रहे हो. मणिपुर के मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ, मणिपुर में विद्यार्थी महिलाएं असुरक्षित हैं, उनको मारा जा रहा है, और आप बोल रहे हो विदेशी हाथ, परदेशी हाथ. आप रिजाइन करो, अब तक आप मुख्यमंत्री का रिजाइन नहीं ले पा रहे. सर, जनता दल सेक्युलर के जो देवी गोड़ा है, उन्होंने अभी लोकसभा में 2024 के लिए एनडीए के साथ अपनी अलायंस बनाई है, तो आप किस तरह से?
देखिए, देवेगौड़ा साहब हमेशा उनके उनका पार्टी का नाम सेक्युलर है ना, जनता दल सेक्युलर है, तो एक बार अभी छोड़ देना चाहिए सेक्युलर नाम की। एक ऐसी शक्ति के साथ गए हैं जो देश में दंगे करवाना चाहते हैं, देश जलाना चाहते हैं, देश तोड़ना चाहते हैं जात और धर्म के नाम पर, और उनके साथ एक सेक्युलर नाम वाली पार्टी जाती है। एक बहुत बड़ा जोक है। देवगौड़ा साहब की उम्र हो गई है। चलिए, थैंक लगा होता बोल तो राजनीति शुरू है, शिवाजी का जो लखनऊ है उसकी रोमन काल, शिवाजी महाराज का जो एक हथियार है उसके राजनीति शुरू है, क्या कहते हैं? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हथियार है जिसे हम बोलते हैं वाघ नख, वाघ में शेर, शेर के जो नाखून होते हैं उस प्रकार के हथियार होते हैं। जब दिल्ली का आक्रमण हुआ महाराष्ट्र के ऊपर, उस वक्त अफजल खान सरदार आए थे, औरंगजेब ने भेजे थे, तब उस नाखून से, उस वाघनख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी हत्या की। महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए किया हुआ वो हमला था और महाराष्ट्र उस पर गर्व करता है। अब वो जो हथियार है वो लंदन में कहीं म्यूजियम में है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। अब वो ला रहे, लाकर क्या करोगे भाई? हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है। लेकिन जिस महाराष्ट्र को आपने दिल्ली का गुलाम बनाकर रखा है, जिस महाराष्ट्र का स्वाभिमान आपने बेच दिया, अब वो नाखून लाकर आप क्या करेंगे, क्या दिखाना चाहते हो आप? शिवाजी महाराज ने उस हथियार का इस्तेमाल किया था दिल्ली पर हमला करने के लिए, और आपकी दिल्ली के गुलाम बन गए, महाराष्ट्र को दिल्ली का गुलाम बना लिया। छोड़ दीजिए। थैंक यू सर।